इंस्टॉल है आपके में? सर इसमें नहीं है शायद, मेरा फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे शायद, अच्छा, चलिए मतलब कोई, आप फर्स्ट टाइम करोगे, बाकी मैंने इसमें इंस्टेंसेस वगैरह बनाए हुए हैं। बाकी चलिए कोई, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग चालू है ना सर, मुझे मैसेज हाँ नहीं हाँ आ रहा रिकॉर्डिंग है। चालू। ओके फाइन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह बनाना देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि पहले एक EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मल्टीपल EC2 इंस्टांस क्रिएट करने की, तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं कर रहे, राइट? तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट जब आप EC2 क्रिएट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट वाला जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, वो अटैच हो जाता है। डिफॉल्ट SG में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको कस्टम बनाना है सिक्योरिटी ग्रुप, और कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आते हैं थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं कि हमें सिक्योरिटी ग्रुप को बनाना है, अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मुंबई रीजन ले लेता हूँ, थोड़ा सा पास में रहेगा। बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, मैं जस्ट अभी वो न्यूज़ ही देख रहा था। ठीक है, तो टेराफॉर्म के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। कल ना मैं अपना अकाउंट लेके आऊँ, क्योंकि आप लोगों में कभी आप आते हैं कभी नहीं आते, तो फिर मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ती डबल से। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, हमारा EC2 क्रिएट हो गया आई थिंक। तब तक हम लोग यहाँ पर टेराफॉर्म इंस्टॉल का प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये हम कल इसको, कल के लेक्चर में सभी लोगों ने किया प्रैक्टिस वगैरह? यस सर। किसी को कोई डाउट वगैरह आया क्या? ये सभी का लैब हो गया था कल का? सर अगर वो मतलब विदाउट की हम करते थे पहले EC2 लॉन्च, सॉरी, विदाउट की जब हम मतलब कल हमने पहली बार किया ठीक है, की मेंशन किया था हमने, अच्छा फिर तो उसके पहले जब हम करते थे विदाउट की, तो उसका फिर एक्सेस कैसे ले सकते? उसका फिर एक्सेस नहीं ले सकते थे ना, वो उसको फिर कंसोल पे ही एक्सेस ले पाते आप। यहाँ पर बैप जो है करते ना, जैसे आप यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पर आके कनेक्ट कर लेते थे आप, तो वही तो हमारा ड्रॉबैक था। इसलिए तो हमने क्या देखा था कि हमें EC2 में की पेयर अटैच करना, तो कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मान लो अब वो इंस्टेंस रन हो चुका है, फिर उसको हमें की अगर अटैच करना है तो उसको करवा सकते हैं हम? हाँ, करवा सकते हैं। कैसे? जब आप यहाँ पर जाते हो ना, जैसे मैं एक इसको दिखा देता हूँ, एक्चुअल में ये AWS का टॉपिक है, बट आप लोगों को शायद बताया नहीं गया होगा, और कई बार ऐसा होता भी है, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने की पेयर बनाया, ठीक है, वो की पेयर डिलीट हो गई आपके पास, ठीक है, तो उसको करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि डॉट करके यहाँ पर करेंगे आप, सॉरी -LS ये करो, तो ये .ssh करके एक डायरेक्टरी दिख रही है, इसके अंदर चलो पहले .ssh के अंदर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ls करो, तो यहाँ पर ऑथराइज की करके एक फाइल है, तो इसके अंदर जाना होता है आपको, और इसके अंदर आपने जो नई की बनाई होती है उसकी वैल्यू यहाँ पर आप रख दो। समझ में आई बात, ओके सर। है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर दो और सेव करके बाहर आ जाओ, तो वो आपको क्या है कि एक्सेस होने लगता है। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं है मालूम, तो कोई नहीं, मैं कल ना इसको बता दूंगा कि जैसे मान लो आपका एक की पेयर अटैच है और की पेयर डिलीट हो गया डाउनलोड, जैसे अभी हमारे पास ये डाउनलोड हुआ, राइट, की पेयर,
ठीक है। तो जैसे ये की पेयर डाउनलोड हुआ है तो इसको क्या है कि आपने डिलीट कर दिया या बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, तो फिर जब ये बाय मिस्टेक डिलीट हो गया तो फिर क्या करोगे इसको, तो आपको एक नया की पेयर बना के अटैच करना है, तो वो मैं आपको कल बता दूँ, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर, टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लो फटाफट। चलिए टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है हमारे इस पे। चलो ठीक है। तो आज एक और मैं नया ऑप्शन बताता हूँ आप लोगों को। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो टेराफॉर्म की फाइल होती थी उसी में हम लोग क्या करते थे, एक्सेस की सीक्रेट की डिफाइन करके चलते थे, ठीक है। जैसे आपने vim किया lab.tf करके आपने फाइल बना ली, किसी ने vim किया example.tf करके फाइल बना लिया, राइट। तो यहाँ पर जब आप फाइल बना रहे थे तो उसी के अंदर आप क्या डिफाइन कर रहे थे,